कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के शामिल हुए करीब 1500 लोगों के कारण पॉजिटिव होने के बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो वहीं अब तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा देने की पेशकश करने की जानकारी सामने आने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को फटकार लगाई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा देने की पेशकश करने की जानकारी सामने आने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को फटकार लगाई है। नकवी ने न केवल तबलीगी जमात पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि ये हर भारतीय मुसलमानों को तबलीगी साबित करने की तबलीगी साजिश है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बेशक कुछ राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने जरूरतमंदों को प्लाज्मा दिया है, पर उन्हें तबलीगी कहना ठीक नहीं है। अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन तबलीगियों ने अपनी हरकतों से देश में कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश की थी, अब वे ही खुद को कोरोना वॉरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर में नकवी ने लिखा कि जिन तबलीगियों ने अपने आपराधिक आचरण से कोरोना वायरस फैलाने का पाप किया था, आज वे खुद को कोरोना वॉरियर्स होने का दावा कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि अपने अपराध के लिए शर्मिंदा होने की बजाय तबलीगी लाखों लोगों का अपमान कर रहे हैं। यह तो चोरी के बाद सीना जोरी कहलाता है। अपने एक अन्य ट्वीट में नकवी ने लिखा कि बेशक कुछ राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने जरूरतमंदों को प्लाज्मा दिया है, पर उन्हें तबलीगी कहना ठीक नहीं है। हर हिंदुस्तानी मुसलमानों को तबलीगी साबित करने की सुनियोजित घटिया तबलीगी साजिश है। दरअसल कानपुर, गाजियाबाद और दिल्ली में कई जमात से जुड़े मुसलमानों में कुछ ने अपने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है। इनमें कई वे लोग भी है जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे और अब ठीक हो चुके हैं। अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा करते देख उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की है, लेकिन कुछ अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर में वर्ग विशेष के लोगों की बदतमीजियों पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई है। खाना न खाना, सामूहिक नवाज अता करना और बीड़ी गुटके के साथ नॉनवेज की डिमांड करना लगातार जारी है। इसी बीच कुछ ऐसे भी है जो लगातार लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। कई मुसलमान समुदाय के लोगों के सैनिटाइज करने और हिंदुओं की शव यात्रा को कंधा देने जैसे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिन्हें खासा सराहा जा रहा है। इधर जमात से जुड़े लोग प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जता रहे हैं तो उनका खास विरोध भी हो रहा है। इससे पहले कुछ अस्पतालों में जमातियों के नर्सिंग कर्मियों के साथ अभद्रता करने जैसी खबर भी सामने आ चुकी है। तबलीगियों के डॉक्टर पर थूकने, मारपीट करने, जानबूझकर संक्रमण फैलाने जैसे अपराध सामने आने पर लोगों के भरोसे पर असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज में तबलीगी जमात के शामिल हुए करीब 1500 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से वृद्धि हुई है। इसके बाद देश भर की कई मस्जिदों में देसी विदेशी जमातियों का सिलसिला अब तक जारी है। इनमें से कई जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और लॉकडाउन के चलते यहीं अटक गए। झारखंड में भी एक मस्जिद में 16 से अधिक विदेशी जमाती मिले थे, जिनमें एक महिला जमाती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद से प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ना शुरू हुई। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में भी जमातियों की बड़ी खेप मिली है, जिसके बाद यहां स्थिति नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।